हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेसिकली एक थियोरेटिकल टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें मैक्सिमम थ्योरी ही पढ़नी है, न्यूमेरिकल बहुत कम है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करना होगा, प्रोसेसेस होती हैं उन्हें याद करना होगा। सो प्लीज़ केयरफुली इसके नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट को अपनी नोटबुक में लिखिए, ताकि जब आप रिवाइज करें सो यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर वर्ड्स टू राइट इन एग्जाम, बिकॉज क्वेश्चंस आर थियोरेटिकल। न्यूमेरिकल होता तो फॉर्मूला लगा के और हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहला सवाल मन में उठता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वॉट एग्जैक्टली इज एनर्जी? वॉट इज एनर्जी? क्या होती है एनर्जी? ये सवाल देखते से ही हमें पता है कि हम एनर्जी को डेली यूज करते हैं, हर वक्त हम एनर्जी का उपयोग करते हैं, चाहे आप जाग रहे हो या आप सो रहे हो। ओके, या आधी नींद में हो, आधे जाग रहे हो आधे सो रहे हो। 24 आवर्स, 7 डेज, 365 डेज, होल ईयर्स, सेंचुरीज से एनर्जी यूज होती आ रही है, और हम इसे अलग अलग तरह से यूज करते हैं हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सवाल, इस सवाल का ही हम जवाब देते हैं कि एनर्जी क्या है, वॉट एग्जैक्टली इज एनर्जी। सो आई विल से अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू साइंस, एनर्जी इज ability to do work. एनर्जी होती है ability to do work. Now, फिर सवाल उठता है, what is work? What is work? तो work के बहुत सारे definition होते हैं। Work एक अपने आप में बहुत broad topic है, इसे discuss करने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अभी एट दिस लेवल हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन को कंसिडर करेंगे। हम बेसिक क्या मीनिंग होता है वर्क का, इसे समझने की कोशिश करेंगे। आई विल से वर्क इज बेसिकली मूवमेंट। वर्क इज बेसिकली मूवमेंट। मूवमेंट होता है मतलब वर्क हुआ है, मैं यहां से यहां चल के यहां तक गया ऐसा, और फिर यहां से वापस आया, तो मैंने इधर से यहां जाने में भी वर्क किया और यहां आने में भी वर्क किया। मैंने अपना हाथ ऐसा उठाया, मैंने वर्क किया। मैंने अपना हाथ नीचे किया, मैंने वर्क किया। मैंने कुछ बोला, वो भी वर्क किया। आप सुन रहे हो, ये भी वर्क है। क्यों? बिकॉज जब आप सुन रहे हो तो क्या आप बिना मूवमेंट के बैठे हो? नहीं, आपकी आई लैशेज, आपकी जो आंख की पलके हैं, ये कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इनमें मूवमेंट हो रहा है। सो दिस इज वर्क। आप हाथ से लिख रहे हो, दिस इज ऑल्सो वर्क। किसी भी चीज को अगर आप देख लो, अगर वो मूव करती है तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ। और उस वर्क को करने के लिए जरूरी है एनर्जी। वर्क तभी होगा जब एनर्जी होगी। अगर एनर्जी ही नहीं है तो वर्क नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में एक बैटरी है, उस बैटरी को जब आप चार्ज करते हो तो उसमें क्या डालते हो? एनर्जी। इस एनर्जी से फिर आप अपना मोबाइल यूज करते हो, उसमें गेम्स खेलते हो, गाने सुनते हो, कॉलिंग करते हो। ये सभी फंक्शंस कैसे परफॉर्म हो पा रहे हैं? ये फंक्शन इसीलिए परफॉर्म हो रहे हैं क्योंकि आपकी बैटरी में एनर्जी है, आपके मोबाइल की बैटरी में एनर्जी है, और उस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हो वर्क में। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा वर्क होगा। अब मान लो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, तो क्या आप उससे वर्क करा पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। सिमिलरली आप खुद, आप खाना खाते हो और आपको खाने से एनर्जी मिलती है और फिर आप वर्क करते हो। आप 10 दिन खाना ना खाओ
अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप वर्क नहीं कर पाओगे, आपको थकान फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम नहीं कर सकते, आई एम टायर्ड, और इस तरह से चीज जो चीजें होती हैं। तो ये जो टायर्ड होने वाली चीज है, दिस इज व्हाट, कि आप में एनर्जी गिर गई। तो बेसिकली एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड है, कि वर्क एनर्जी, एनर्जी वर्क, ऐसा कन्वर्जन होता रहता है। ओके, इसको और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास फूड है, ओके, आई हैव सम फूड, और इस फूड की मदद से, इस फूड की मदद से मुझे लेट से एक टोस्टर को चलाना है। मेरे पास क्या है, फूड, और आई वॉन्ट टू रन अ टोस्टर। अब आप बोलोगे टोस्टर, टोस्टर वो इलेक्ट्रिक वाला टोस्टर जिसमें आप ब्रेड का पीस डाल के उसे टोस्ट कर देते हैं, उसे सेक देते हैं, तो उस तरह का जो टोस्टर है, दैट इज एन इलेक्ट्रिक टोस्टर। अब अगर मेरे हाथ में फूड है तो इस फूड की मदद से मैं इस टोस्टर को कैसे चला सकता हूं? मैं क्या कहूंगा, आई विल से कि मैं फूड को खाऊंगा, फूड खा के मेरे पास एनर्जी आ जाएगी, और इस एनर्जी से मैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करूंगा। कैसे, जनरेटर देखा है आपने, जनरेटर होता है, उसको गोल गोल घुमाओ तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो मैंने उस जनरेटर को फूड खाया और गोल गोल घुमाना शुरू किया, घुमाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, टोस्टर चलेगा, टोस्टर में क्या होगा, वापस से फूड सिक जाएगा, और फिर इस फूड को मैं वापस से खा लूंगा, और फिर मेरे पास वापस एनर्जी आ जाएगी, और फिर मैं वापस से जनरेटर घुमाऊंगा, और फिर वापस से टोस्टर चालू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। मैं कभी वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इस तरह से जो प्रोसेस है, एनर्जी से वर्क और वर्क से वापस एनर्जी, ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस एनर्जी से वर्क करवाएं। अब अगर हम इस एनर्जी से वर्क करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी कैसे है, और ये एनर्जी क्यों है। तो हम कहेंगे ये एनर्जी जो टर्म है, दिस एनर्जी, एनर्जी इज बेसिकली एक बॉडी की क्षमता, किसी ऑब्जेक्ट की क्षमता, एनर्जी जिसे हम बोलते हैं कैपेबिलिटी, कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक 4 साल के बच्चे को बोलूं कि जाओ 10 किलोमीटर दौड़ो, सो कैन ही रन 10 किलोमीटर्स कॉन्स्टेंटली, आई विल से नो, बिकॉज वो थक जाएगा, थक के हो सकता है गिर जाए, हो सकता है बेहोश हो जाए। लेकिन वहीं अगर मैं एक 30 ईयर्स के पर्सन को बोलूं कि जाओ 10 किलोमीटर दौड़ो, सो ही कैन रन, वो आसानी से दौड़ सकता है। तो यहां पे डिफरेंस क्या हुआ कि वो 4 साल का बच्चा क्यों नहीं दौड़ पाया, बिकॉज उसके पास एनर्जी कम है। जो 30 ईयर्स वाला पर्सन है उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो इसीलिए वो अपनी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा वर्क होगा, ओके। और उसी तरह से जो जो बच्चा है 4 साल का, उसके पास कम एनर्जी है तो वो कम वर्क कर पाएगा। इट मीन्स जितनी ज्यादा एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में होगी उतना ज्यादा वो वर्क कर सकता है। सिंपल टर्म्स में हमारा एम क्या होता है, हमारा एम होता है वर्क करवाना। क्यों? बिकॉज अगर आप देखो तो आपके चारों तरफ एनर्जी है, आप हर समय एनर्जी का यूज कर रहे हो। इस वक्त आप इस लेक्चर को देखते हुए अपने पीसी को या लैपटॉप को कनेक्ट कर रखे हो किसी प्लग से, उस प्लग में एनर्जी सप्लाई हो रही है और आपका सिस्टम चल रहा है, और सिस्टम चलने की वजह से आप लेक्चर देख पा रहे हो। मैं लेक्चर क्यों दे पा रहा हूं, बिकॉज मैंने खाना खाया, मुझे एनर्जी मिल गई, अब इस एनर्जी को मैं वर्क में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे पास जो एनर्जी है वो किस प्रकार की है, मैं मेरी एनर्जी को साउंड एनर्जी बना के आप तक पहुंचा रहा हूं। तो हमने देखा कि एनर्जी बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 10-30 साल के व्यक्ति में भागने के लिए है, या 4 साल के बच्चे में भागने के लिए है।
एनर्जी अलग अलग तरह से अलग अलग पर्संस में रिसाइड करती है। जो मैंने फूड लिया, इस फूड को मैं क्या कर सकता हूँ? इस फूड को मैं या तो यूज कर लूँ भागने के लिए, मैं बहुत सारा खाना खा लूँ और भाग जाऊँ, भागते रहूँ भागते रहूँ भागते रहूँ, तो मेरी जो भी एनर्जी है वो कन्वर्ट होती रहेगी वर्क में, कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चलती रहेगी। या फिर मैं बहुत सारा खाना खा लूँ और फिर आपके सामने लेक्चर देता रहूँ, बोलता रहूँ बोलता रहूँ बोलता रहूँ, तो क्या होगा? जो मेरे पास एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है साउंड के फॉर्म में और आप तक पहुंच रही है। तो मैं अपनी एनर्जी को अलग अलग तरह से यूज कर सकता हूं। नाउ, क्या ये एनर्जी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं? क्या मैंने अंदर एक मशीन लगा रखी है जिससे मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं? तो हम कहेंगे नो, मैं सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूं। जब मैं भाग रहा था तो मेरी जो फूड की एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही थी मेरे भागने में, रनिंग में, और जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी फूड की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है साउंड में। तो एनर्जी जो थी वो तो एक ही जगह से आई थी, फूड से। फूड से एनर्जी आई और उसको मैंने कन्वर्ट किया साउंड में या फिर भागने में। लेकिन वो एनर्जी फूड में कहां से आई? वो एनर्जी फूड में कहां से आई? तो हम कहेंगे वो एनर्जी फूड में आई अर्थ से, यूनिवर्स से। अर्थ में आपने बीज दिया, बीज रखा, उस पर पानी डाला, उस पर मिट्टी डाली, सनलाइट आई, सारी चीजें हुई, बारिश हुई, उसके ऊपर पानी गिरा, सनलाइट गिरी, आपने खाद डाली, सारी चीजें करके उसको उससे एनर्जी मिली और उस एनर्जी से वो प्लांट बड़ा हो गया और प्लांट बड़ा होकर उसने फ्रूट्स दिए और वो फ्रूट मैंने खा लिया और मैंने आपको फिर एनर्जी में कन्वर्ट करके दे दिया। तो एक बेसिक चीज क्या बनती है? बेसिक चीज ये बनती है कि एनर्जी जो चीज है, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। मैंने कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करी, मैंने फूड की एनर्जी को ही लेके, फूड की एनर्जी को ही लेके उसे कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो ये जो टर्म हमने लिखा, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर, दिस गिव्स अ लॉ विच इज अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो यूनिवर्स में हर जगह वैलिड हो, जो हर जगह फॉलो होता हो। जैसे अगर मैं बोलूं ट्रैफिक रूल्स, तो आपकी सिटी में ट्रैफिक रूल कैसा होगा? होगा कि आप लेफ्ट में इधर जाइए, लेफ्ट में चलिए हमेशा, तो आप लेफ्ट में चलेंगे, सामने से आने वाला उधर लेफ्ट में चलेगा। लेकिन क्या ये लॉ यूनिवर्सल है? क्या ये लॉ, ट्रैफिक लॉ जो है ये यूनिवर्सल है? हम कहेंगे नो, बिकॉज किसी और कंट्री में हो सकता है वो बोलते हो राइट में चलिए, जैसे यूएसए में, यूएसए में दे से कि आप राइट में चलिए, इंडिया में दे से कि आप लेफ्ट में चलिए। तो ये जो लॉ है दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये इंडिया में वैलिड है, दूसरी कंट्री में वैलिड नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। लेकिन एक यूनिवर्सल लॉ वो होता है जो हर जगह फॉलो हो। जैसे कि अगर मैं कहता हूं 2 + 2, सो व्हाट इज 2 + 2? 2 + 2 इज बेसिकली 4। अब अगर आप इंडिया में ये कैलकुलेशन करें तो भी ये 4 देगा, अगर आप यूएसए में ये कैलकुलेशन करें तो भी ये 4 देगा, अगर आप श्रीलंका, चाइना, जापान, कोरिया, कनाडा, कहीं पे भी चले जाएं और ये कैलकुलेशन को करें, आप नॉर्थ पोल चले जाइए, आप जुपिटर पे चले जाइए, आप सैटर्न पे चले जाइए, आप सन पे चले जाइए, मून पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, किसी दूसरी गैलेक्सी में चले जाइए, आप वहां पे भी अगर इस कैलकुलेशन को करेंगे तो 2 + 2 विल रिमेन 4। 2 + 2 विल रिमेन 4, ये 4 ही रहेगा। सो दिस इज बेसिकली अ यूनिवर्सल लॉ। द टर्म इज यूनिवर्सल लॉ। तो जैसा ये 2 + 2 = 4 वाला लॉ है, ऐसे ही एनर्जी के लिए भी एक लॉ होता है विच इज अ यूनिवर्सल लॉ। दैट लॉ सेज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
destroyed. Energy can neither be created nor destroyed. This is also known as conservation law of energy. Energy का conservation law है. मैंने खाना खाया, मैंने उससे work किया, work करने से मैंने sound energy में convert कर दी. जो energy food ने मुझे दी थी उसको मेरी body ने process किया, process करके sound energy में convert कर दिया और आपके पास sound energy आ गई. हो सकता है ये साउंड एनर्जी और कोई पर्सन कोई और पर्पस के लिए यूज कर ले, जैसे आप यूज कर रहे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको सुनाई दे रहा है. ओके, तो ये जो सुनाई दे रहा है ये कैसे दे रहा है? बिकॉज मैं कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा हूं और आप वो एनर्जी को कैच कर रहे हो. ओके, सो दिस इज बेसिकली यूनिवर्सल लॉ. इट सेज कि एनर्जी को कभी भी बनाया नहीं जा सकता. जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, ये एनर्जी चेंज नहीं होगी. जितनी भी एनर्जी है यूनिवर्स में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इट कैन नॉट चेंज. सो इट मींस कि अगर मैं एनर्जी क्रिएशन की बात करूं तो ये कहना गलत होगा कि मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं या मैं एनर्जी क्रिएट कर रहा हूं. हम कहेंगे कि एनर्जी को हम बेसिकली चेंज कर रहे हैं, हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. तो चलिए बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस किस फॉर्म में हमें मिल सकती है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है. सो ऑन अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक बड़े लेवल पे क्लासिफाई करें तो आई विल से एनर्जी अवेलेबल है लाइट के फॉर्म में. लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी के बाद हीट एनर्जी है, देन ग्रेविटेशनल एनर्जी है, देन विंड एनर्जी है, देन साउंड एनर्जी. On a very broad classification, I will say कि जो भी energies की हम बात कर रहे हैं ये सभी energies ultimately convert हो जाती हैं heat energy में. तो एक जो form सबसे important exist करता है इस universe में वो है heat energy का form. किसी भी प्रकार की energy होगी वो heat energy में convert हो जाएगी. For example, मैंने food लिया, मैंने फूड लेके खाना खा लिया, एनर्जी आ गई. अब मैंने भागना शुरू किया, भागने से क्या होगा? भागने से जो एनर्जी मुझे फूड से मिली है वो एनर्जी कन्वर्ट होगी किस फॉर्म में? वो एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट के फॉर्म में. बिकॉज जब मैं भागूंगा तो मेरी बॉडी में गर्मी पैदा होगी, हीट पैदा होगी और उससे स्वेटिंग होगी, मुझे स्वेटिंग निकलेगी, स्वेटिंग होगी पूरी बॉडी से. तो ये जो स्वेटिंग हो रही है इसका क्या होगा? अगेन, स्वेटिंग जो होती है, जब आपके हाथ पे स्वेटिंग होती है तो जो ड्रॉपलेट्स स्वेट के रहते हैं वो ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी की सरफेस पे आते हैं और सरफेस पे आके फिर हीट एनर्जी लेके, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में. सो दैट इज सम अदर कंडीशन, दैट इज सम अदर केस, उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. अल्टीमेटली कहने का निष्कर्ष ये है कि हर एनर्जी का फॉर्म फाइनली जाके कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में. जैसे कि सन से आने वाली एनर्जी, सन से हमें लाइट रेज मिलती है, सन से लाइट आती है. वो लाइट अगर आप इस वॉल पे डालोगे तो वो लाइट जैसे ही आप इस वॉल पे डालोगे ये वॉल गर्म हो जाएगी. तो ये वॉल गर्म कैसे हुई? ये गर्म इसीलिए हुई बिकॉज सन से आने वाली लाइट जो थी उसमें क्या थी? लाइट एनर्जी. उस एनर्जी को जब मैंने इस वॉल पे स्ट्राइक करवाया तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? हीट एनर्जी. तो हम कहेंगे कि जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज हैं ये सभी हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड
दिस ग्रेविटेशनल, देन वाटर एनर्जी, ओशन एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है जिसको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. ऑन अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन आई विल से एट लास्ट ऑल दीज एनर्जीज गेट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी होती क्या है, एनर्जी को किस तरह से बताया जा सकता है. हमने यूनिवर्सल लॉ को समझने की कोशिश की और कंक्लूजन अगर हम निकालें तो आई विल से कि एनर्जी से वर्क होता है और वर्क से वापस एनर्जी हो जाती है. और इसका एग्जाम्पल हमने समझ लिया है, मैंने खाना खाया, जनरेटर चलाया, टोस्टर चालू हुआ, और ब्रेड से की और खाना खाया, फिर जनरेटर चलाया, फिर टोस्टर चालू हुआ. तो ये क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ दीज एनर्जीज. ये एनर्जी इधर से इधर, इधर से इधर कन्वर्ट हो रही. दूसरा एग्जाम्पल, मैंने पेट्रोल गाड़ी में डाला. जब मैंने पेट्रोल को गाड़ी में डाला तो पेट्रोल की वजह से गाड़ी चलेगी. तो मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली पेट्रोल में जो एनर्जी थी उस एनर्जी की मदद से गाड़ी को चलाया. गाड़ी को चला के क्या हुआ, गाड़ी को चला के वर्क प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वर्क हुआ, क्योंकि गाड़ी में मूवमेंट हुआ, तो वो मूवमेंट से वर्क बना. नाउ अब जब गाड़ी चलेगी, चलते चलते आप देखते हैं कि गाड़ी में से पीछे एक साइलेंसर लगा होता है जिसमें से धुआं निकलता है, या गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है. तो गाड़ी का इंजन गर्म हुआ मतलब क्या, जो एनर्जी पेट्रोल के थ्रू मैंने गाड़ी को दी थी वो कन्वर्ट हुई वर्क में, और वर्क से वो कन्वर्ट हो गई वापस से एनर्जी में, दैट इज हीट एनर्जी. हीट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गई. गाड़ी गर्म क्यों हुई, बिकॉज वो चलती रही गाड़ी. ओके, सो हम कहेंगे कि अल्टीमेटली जो एनर्जी आपने पेट्रोल को दी थी, पेट्रोल की जो एनर्जी थी, आपने सिर्फ वही एनर्जी का यूज किया. कार ने कोई खुद से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करी, कार ने सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट किया. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हम करें, इसीलिए तो हम कहेंगे कि एनर्जी से वर्क और वर्क से एनर्जी. मतलब अगर एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो वर्क हो सकता है यूनिवर्स में वो भी कांस्टेंट है. अगर एनर्जी बदलेगी तो वर्क बदलेगा, अगर वर्क नहीं बदल रहा एनर्जी भी नहीं बदलेगी. तो निष्कर्ष कहें तो आई विल से कि एनर्जी का एक फॉर्म कन्वर्ट हो सकता है दूसरे फॉर्म में, लेकिन लेकिन उस एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. जैसे कि कार, कार में आपने पेट्रोल डाला. अब क्या कार में सिर्फ पेट्रोल डालने से कार चलने लगती है, हम कहेंगे नहीं, उसके लिए हमें चाबी घुमानी पड़ती है. चाबी घुमा के आप क्या करते हो, आप चाबी जब घुमाते हो, किसी गाड़ी की चाबी घुमाते हो, तो बेसिकली आप चाबी घुमा के उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो. आपने देखा है गाड़ी में एक बैटरी लगी होती है, उस बैटरी के थ्रू आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तब उसका इंजन चालू होता है और फिर वो पेट्रोल की सप्लाई चलती जाती है. तो बेसिकली उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बाहर से भी एनर्जी देनी पड़ेगी. आपने टू व्हीलर स्टार्ट किया तो टू व्हीलर स्टार्ट कैसे होगा, पेट्रोल डाल दिया तो स्टार्ट हो जाएगा क्या, हम कहेंगे नो, आपको उस पर किक मारनी पड़ेगी. किक मारेंगे या सेल्फ स्टार्ट दबाएंगे. अगेन सेल्फ स्टार्ट जब आप दबाओगे तो उस टू व्हीलर का पेट्रोल, उस टू व्हीलर का जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी से एनर्जी सप्लाई होगी. जब आप उसे किक मारोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली वर्क कर रहे हो, और आप जो वर्क कर रहे हो वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ. और जब आपने किक मारी, आपने वर्क किया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इस एनर्जी से आपका पेट्रोल यूज होना शुरू हुआ, आपका इंजन शुरू हुआ. और इंजन ने बेसिकली क्या करा, इंजन ने उस एनर्जी को वापस कन्वर्ट कर दिया किसमें, वर्क में, क्योंकि आपने एक बार टू व्हीलर पे किक मारी, अब वो स्टार्ट हो गया. अब आप रेस दोगे, एक्सीलेटर घुमाओगे तो वो गाड़ी आगे बढ़ेगी. आगे बढ़ेगी मतलब उसमें मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ मतलब वर्क हुआ. फिर वो गाड़ी गर्म होगी, गर्म होगी क्या होगा, गर्म होने से वो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में. तो ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी, ये साइकिल कभी भी नहीं रुकेगी, ये कॉन्स्टेंटली चलती रहती है. जिस भी चीज के पास एनर्जी है वो कोशिश करता है कि वो अपनी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करे. ओके, और वर्क से वापस से एनर्जी बन जाती है. सो दिस इज बेसिकली द फिनोमिना विच हैपन्स इन यूनिवर्स एवरी सेकेंड. हर एक सेकेंड ये फिनोमिना चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है. जिस दिन ये रुक जाएगा
यूनिवर्स खत्म हो सकता है. ओके, सो यू कैन नोट दिस, देन वी विल कंटिन्यू.